मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो वीडियो मैं एक्चुअली कुछ नया प्रोडक्ट हमारे आए हैं क्लोटवाई के अंदर में, जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मैं कुछ और चीज़ दिखा दूँ आपको। ये मेरा नया प्रोडक्शन लाइन है जहाँ हम लोग प्रोडक्ट अभी फिर से जो शैम्बलिंग होगा, ये यहाँ पे शैम्बलिंग होगा, एक नया प्रोडक्शन लाइन हमारे क्लोटवाई का यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। ये अभी वैसे अभी स्टार्ट नहीं हुई है ठीक से, लेकिन ये कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ कम से कम हम लोग 5 से 10 हज़ार यूनिट एवरी मंथ हम लोग शैम्बल कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस जो मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ नया डिवाइस हम लोग लेके आ रहे हैं क्लोटवाई के अंदर फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडियन मार्केट में, जो मैं आपको दिखा दूँ। इवन अगर ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अभी मिलेगा तो होपफुली मैं सप्लाई कर रहा हूँ उन डीलर्स को। तो मैं दिखा दूँ, ये हमारी खुद की प्रोडक्ट है जो एवरी मंथ हम लोग एटलीस्ट 5000 यूनिट प्रोडक्शन करके देंगे आप लोगों को। मैं दिखा रहा हूँ आपको यूनिट कैसा है। ये अभी शैम्बल हो रहा है, कुछ सैम्पल्स हैं हमारे पास में। ये वैसे मैं दिखा दूँ आपको, इस टाइप की डिवाइस आपको मिलेंगे जो टेस्ला टाइप है। जैसे लोग कई लोग बोलते हैं कि बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, टेस्ला टाइप दिखना चाहिए, और काफ़ी लो प्राइस में हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और बाकी एक साल सर्विस जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में। ये नया डिवाइस होगा हमारी कंपनी का। एवरी मंथ 5000 यूनिट, मिनिमम 5000 यूनिट हम लोग यहाँ पे असेंबल कर पाएंगे, 5 से 10 हज़ार यूनिट। तो बहुत जल्दी ये मार्केट में हमारी तरफ से आने वाला है। ये जो हमारे सैंपल यूनिट है, वो सैंपल यूनिट तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि ये चलता है कैसे। ये MTK प्रोसेसर में है, और जो MTK प्रोसेसर हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कई तरह का आता है। इसमें क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, और स्पीड बहुत फास्ट होगा। आप अगर T3 से कंपेयर करोगे, इक्वल होगा ऑलमोस्ट। ये नया प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि मैं नया प्रोडक्ट के लिए ये असेंबलिंग लाइन ये हमने बनाया हुआ है, सिर्फ इस प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए। मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये कैसा है। जो टेस्ला आप लोग आज तक टेस्ला देख रहे थे, और साथ में कि वो काफ़ी महंगे रेट में आपको मिल रहा था, तो जनरली बेसिकली बहुत छोट कम कार्स के लिए टेस्ला आता था। जैसे फॉर्चुनर की बात करते, फॉर्चुनर में होता था, या फिर आप फोर्ड इको स्पोर्ट ले लो, कुछ कार्स में ही टेस्ला हम लोगों को मिलता था। कई कार्स में तो ये यूनिट अवेलेबल ही नहीं था, फिर हमें लगा नहीं यार। और कई लोग टेस्ला डिमांड करते थे, जैसे स्विफ्ट, छोटी कार्स के लिए, स्विफ्ट के लिए, हर गाड़ी की बात कर रहे होगा। तो अब हम लोग कैपेबल हैं, हमारी कंपनी आपको हर गाड़ी के लिए टेस्ला अवेलेबल कराएगी मार्केट में। मैं दिखा दूं आपको, 9 इंचेस 10 इंचेस आप किसी भी गाड़ी का ले लो, हर गाड़ी में हमारे पास टेस्ला अवेलेबल होगा। होपफुली 5 से 10 दिन चाहिए आज की डेट से। आज का डेट है 2 तारीख को, मैं 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2020 ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। मैं दिखाता हूँ ये डिवाइस कैसा है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, डिवाइस दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये 9 इंची में है, और 9 इंचेज में है, और एक ये 10 इंचेज में है। ये 10 इंची है, 9 इंची। सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप वीडियो में, आ जाओ दिखाओ। ये 10 इंचेज के लिए है, और ये 9 इंचेज के लिए। स्क्रीन साइज ऑलमोस्ट सेम है दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, बस बॉडी में डिफरेंस है। ये बॉडी जो है वो डिफरेंस है, तो ये बॉडी इसका बड़ा है, और ये बॉडी इसमें छोटा रखा गया। जो बटन्स हैं इसमें बड़े साइज के, बटन्स इसमें छोटे रखे हैं, लेकिन ये दोनों ही जो डिस्प्ले है दोनों सेम साइज का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये अब डिवाइस ऑन हो गया। इन दोनों ही डिवाइस में, इधर आप 10 इंचेस का लो या फिर 9 इंचेस का, किसी भी गाड़ी में, जैसे कुछ कार्स में 10 इंचेस आता है, लाइक स्कॉर्पियो या फिर आप क्रेटा की बात करते हैं, तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि 9-10 इंची का ये है तो इसका स्क्रीन साइज बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों का स्क्रीन साइज सिमिलर है, सेम है, बस डिफरेंस इनके बटन्स और बॉडी में है, थोड़े आकार में, बस उतना ही। तो मैं दिखा दूँ, ये डिवाइस है, ये लुक है इसका, जो बाहर का लुक है। इसमें कई लोगों ने बोला पिक्चर इन पिक्चर के लिए, तो पिक्चर इन पिक्चर भी इसमें है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये टेस्ला है। आपको स्क्रीन चेक करा देता हूँ जो इसका वीडियो कैसा चलता है इसमें। और एक तो आप ओवरऑल देख रहे हो कि स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा है, लोगों को ये चाहिए था अभी तक कि टेस्ला टाइप में, स्विफ्ट में, या फिर और छोटी गाड़ियों में जिसमें टेस्ला अवेलेबल नहीं था उसमें टेस्ला होना चाहिए। उस सिर्फ उस कार्स के लिए है जिसमें टेस्ला आज तक अवेलेबल नहीं था, उन सारे गाड़ियों के लिए अब टेस्ला अवेलेबल होगा। ये टेस्ला टाइप स्क्रीन है, मैं आपको कुछ वीडियो चला के दिखाता हूँ।
ये वीडियो दोबारा से हमारी वीडियो देखने के लिए और इतना पसंद करने के लिए। एक्चुअली लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, कुछ एक दो वीडियो हमने बनाया हुआ था पहले, जिसमें काफ़ी व्यूअर्स हमें मिले, तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने बोला ये वीडियो बना के आप दिखाइए, तो इसीलिए मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप फिर से लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।